देखो ये देखो कैसे खुश हो रहा है, ये देखो गाइस मेरे को जाना है, मेरे स्कूल इंटरव्यू वगैरह होने वाला है मेरा। अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। बड़े स्पॉन्सर्स आ जाते हैं कभी कभार जो अच्छा खासा पैसा देते, तो 1 CR से ऊपर। गाइस मैंने अपना टेलीग्राम का जो चैनल है वो बना दिया है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है, बट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो शीरो को बाहर जाता है, पानी पीता है, खेलता है और फिर आ जाता है, फिर सो जाता है। शीरो के गाइस पूरे मज़े है गाइस एकदम। ये देखो शीशु माजू, हाय बोलो सबको, हाय बोल दे। इसको सोने देते हैं अभी थोड़ी देर। सनी को देख सकते हो, सनी वहाँ पर अभी गेम खेल रहा है, बंद अभी खेल रहा था, अभी तक खेल रहा था, अब तक अब बंद कर दिया गेम खेलना। तो गाइस फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, एंड यहाँ पर एक बार थार देखो जरा क्या लग रही है यार। कल वॉश करवाई है ना, वॉश करवाने के बाद क्या लुक आ रही है इसकी। एक तो गाइस ये वाली जो चीज़ लगी है इसमें, ये भी बड़ी मस्त लगाई है। इसमें सिल्वर कलर आता है और एक ब्लैक कलर आया, तो उन्होंने बोलता है कि ब्लैक ही लगवाना, एंड कसम से ब्लैक अच्छा लग रहा है इसमें। और टायर्स और अलॉय तो देखो आप क्या लग रहे हैं भाई। मेन तो गाइस टायर अलॉय से ये जो लुक्स आ रही है, बाकी जो ये हमने साइड्स के लगाई ये कैसे लगे आप लोगों को कमेंट करके बताना। ये जो लगे इनसे भी लुक्स काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि पहले प्लेन था एकदम, बट अब थोड़ा सा ये लगा के थोड़ा सा लुक जो है और भी ज़्यादा बढ़िया हो गई। तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। वैसे लग तो एकदम खतरनाक रही है। गाइस हम लोग एक दिन तीनों कार्स को भी हम लोग साथ में निकालने वाले हैं, मस्टैंग, फॉर्च्यूनर और थार को। रील भी बनाएंगे और मस्त मस्ती वीडियो भी। तो गाइस यहाँ पर अभी शीरो को ट्रीट मिली है, एंड ये देखो खा ही रहे, बस खुश हो रहा है इसको देख देख के। ये देखो नहीं तो इस टाइम तो अभी खप खप के खा लेते, इसने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है इसलिए इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। वो देखो ये ट्रीट, पीछे देख शीरो, पीछे देख, ये देख यार, ये वो रही ये देखो इसको देख देख के खुश हो रहा है, मुँह में लेके जा रहा है, फेंक रहा है, खेल रहा है, अब खाएगा थोड़ी देर में। देखो कैसे खुश हो रहा है, ये देखो गाइस देख देख के खुश हो रहा है बेचारा ट्रीट को। इसका पेट भरा हुआ है ना, अगर पेट भरा खाली होता ना इस टाइम, खा लिया देखो, अब खा लिया, पहले खेला आराम से, अब खा लिया इसने, वाह बहुत बढ़िया। एंड बाकी फिलहाल अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरे को जाना है मेरे स्कूल जहाँ मैं पढ़ता था 12th class तक मैंने जहाँ स्टडी किया है। वहाँ से सुबह फ़ोन आया था मम्मी को, कुछ इंटरव्यू वगैरह होने वाला है मेरा, तो चलते हैं अभी एंड देखते हैं आज क्या क्या होता है। तो आज स्कूल जा रहे हैं हम अपने, बहुत टाइम के बाद, मतलब लगभग आई थिंक 2 साल 2.5 साल के बाद मैं जाने वाला हूँ अपने स्कूल। तीन काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे को लास्ट टाइम याद भी नहीं मैं कब गया था, बट अभी चलते हैं। मैं अपना 12th का वही लेने गया था शायद, पता नहीं कुछ तो लेने गया था, 12th class टाइम भी गया था मैं। तो अभी चलते हैं एंड देखते हैं आज के व्लॉग में क्या क्या होता है। हाँ गाइज ये डे वन के साथ मैं मिक्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि कल छोटा बन गया था व्लॉग। आई एम रियली रियली सॉरी, मैं एक एक दिन छोड़ के व्लॉग डाल रहा हूँ, बट कल से पक्का डेली व्लॉग जाएंगे। अभी चलते हैं लेट हो रहे हैं। देखो अब जाके खाया, अभी भी नहीं खा रहा है, धीरे धीरे खा रहा है, खेल रहा है, मजे कर रहा है। और ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जैसे एक बार कंपेयर करना है इसको हमारे पहले व्लॉग्स के साथ एंड अभी के साथ, देखो कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये इतने कम दिनों में ही, देख लो। हे गाइस तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ अब मेरे स्कूल से वापस, वहाँ पे मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था जो कि आ चुका है, उसकी मैं हो सके तो मैं उसकी कुछ जो क्लिप्स है ना वो व्लॉग में ऐड कर लूँगा, थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। बड़े स्पॉन्सर्स आ जाते हैं कभी कभार जो अच्छा खासा पैसा देते, तो 1 CR से ऊपर था। फर्स्ट यूट्यूब की पेमेंट मेरी थी 15,000 से 20,000 के बीच में थी, इतनी थी। तो वीडियोस, एक वीडियो मेरी वायरल हो गई और उस पे करीबन 5-6 लाख व्यूज आ गए थे। जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, इनके अंदर भी एक हुनर था, इन्होंने अपने हुनर को पहचाना और ये जो है यूट्यूब पे जो है मतलब रातों रात मैं कहूंगा बादशाह बन गए, हिमाचल के नंबर 1 यूट्यूबर बन गए। चलिए आपकी सीधे मुलाकात करवाते हैं हिमाचल के नंबर 1 यूट्यूबर साहिल राणा हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव है। तो वो जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? स्टार्टिंग तो मेरी यूट्यूब से हुई जी। आज से करीबन 5-6 साल पहले यूट्यूब पे गेमिंग वीडियोस बना, पहले मैं टेक की वीडियोस बनाता था और नॉर्मल व्लॉग्स भी पहले मैंने बनाए, फिर मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट था और उस वक्त आज से 5-6 साल पहले यूट्यूब पे गेमिंग के क्रिएटर्स काफी कम थे, मतलब ना के बराबर थे, और जो गेम मैं खेलता था उसके तो बहुत ही कम थे, 2-3 यूट्यूबर्स थे जिनके कुछ 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे। तो उस टाइम मेरे को गेमिंग का काफी ज्यादा शौक था, तो एक दिन वैसे ही ख्याल आया कि मैं भी गेमिंग चैनल एक बार बना के देख लेता हूँ, क्या पता चल रहा है। क्योंकि कौन से साल में बनाया था आपने ये? आई थिंक मैंने बनाया था 2017 या 18 में बनाया था। उस टाइम आपकी एज क्या रहेगी? एज तो आई थिंक 14-15 रहेगी, 14-15 राइट। जब आपने बनाया तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? स्टार्टिंग में तो घर वालों को पता नहीं था कि मैंने ऐसा यूट्यूब चैनल भी बनाया है और मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ। तो जब 4-5 वीडियोस मैंने डाल दी थी तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो व्यूज नहीं आए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। कितने व्यूज आते थे स्टार्टिंग में?
तीन चार व्यूज जो कि मेरे खुद के फोन से होते थे, मम्मी के फोन से होते थे। तो फिर जब एक टाइम आया कि मम्मी को भी पता चल गया कि ये वीडियोस बना रहा है ऐसे कुछ, मतलब टाइम गेमिंग कर रहा है 24 घंटा, तो फिर वो बोलने लगे कि क्या है इसमें, क्या है, स्टडी करो और गेमिंग से क्या ही होगा, यूट्यूब से क्या ही होगा। तो बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, इंटरव्यू से वापस आया हूँ जस्ट अभी, एंड अब मैं अपना थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, एक दो केला खा लेता हूँ, टाइम नहीं ज्यादा, जिम के लिए निकलना है। तो अब मैं आपको मिलूंगा सीधा जिम में, आज आठ हमारी बाइसेप की एक्सरसाइज है, तो मैं आपको रिकॉर्ड अच्छे से याद से करूंगा, भूलूंगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है चलो जिम चलते हैं। ओके तो गाइज अभी मैं जिम से वापस आया हूँ, एंड ये देखो यहाँ पर शीरो को मैंने अभी ये ट्रीट दी है, एंड फिर से ये वही पागलपन दिखा रहा है अपना, खुश हो रहा है, वो रही वहाँ घूम भी हो जाती है इससे, अभी खा नहीं रहा है लेकिन इतने एक सेकंड भी नहीं छोड़ता है ये, लेकिन अभी खुश हो रहा है देख देख के। ले शीरो लो, लो शीरो लो, अभी देखो ये देखो खा नहीं रहा है, खेल रहा है इसके साथ एकदम, देखो खुश हो रहा है, खेल रहा है लेकिन खा नहीं रहा, मजे से खाएगा, देखो कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, ये देखो गाइज अब इसने मुंह में डाल लिया लेकिन खाएगा नहीं, अभी देखो फिर बाहर निकालेगा, ये देखो फिर बाहर निकाल ली, क्या ये हरकत है भाई इसकी है। हे गाइस तो अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, तो सभी लोग देखो और सुनो। तो फिलहाल गाइस मैंने अपना टेलीग्राम का जो चैनल है वो बना दिया है, तो आप लोगों को पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो पहले तो सब लोग ज्वाइन कर लो, इसमें 1500 मेंबर्स है। ठीक है इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, इतने लाखों लोगों ने देखा लेकिन इंस्टाग्राम से बहुत कम लोग ज्वाइन करते, क्योंकि मैंने वैसे ही डाल दिया था, मेरे को पता है आप लोग अच्छे से ज्वाइन करोगे जो मैं ब्लॉग में बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग सुनते हो समझते हो। तो ये ग्रुप किस लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो ये ग्रुप है फैंटेसी से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड और स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है तो इस ग्रुप के अंदर यही सब चीजें बताते हैं। फिलहाल तो इसमें देखो फैंटेसी टीम्स दिखा रही है जो इंडिया में लीगल है, आपको पता ही होगा, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा, है कुछ बैटिंग ऐप्स जहाँ पे आप लोग ये टीम बना सकते हो अपनी, आईपीएल में भी बहुत चला था, टीम बना के आप लोग पैसा कमा सकते हो। तो उन ऐप्स के अंदर आप लोगों को फ्री में टीम दी जाएगी इस ग्रुप में ना, लैन वर्सेज WOR का कुछ मैच चल रहा है अभी क्रिकेट का, मेरे को तो खैर क्रिकेट की ज्यादा नॉलेज है नहीं तो मेरे को पता नहीं है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसमें कुछ प्रोफेशनल बंदे हैं जिनको फैंटेसी की अच्छी खासी नॉलेज है, जो ये टीम्स बनाने की अच्छी खासी नॉलेज है, भाई आपसे कोई पैसा लिया जाएगा, फ्री है एकदम, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीजों में, फैंटेसी क्रिकेट टीम ये बनाने में, ठीक है, और बहुत जल्द हम लोग इसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ में लाएंगे, तो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं भी है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और खुद भी मैं इस चैनल के अंदर हूँ, मैसेजेस करता रहता हूँ, तो सब लोग ज्वाइन कर लो फटाफट से। देखते हैं जरा इस ब्लॉग के बाद कितने मेंबर्स होते हैं, अभी 1500 मेंबर्स है जो भी लोग टेलीग्राम चलाते हैं, और जो नहीं चलाते बहुत सिंपल है, जैसा व्हाट्सएप होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और इसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर लेना चैनल के अंदर, ठीक है, और कर लेना सब लोग मेरी बात मान के, अपने छोटे भाई की बात मान के, ठीक है, तो कर लेना सब लोग ज्वाइन। यहाँ देखो भाई शीरो खा रहा है अभी अंगूर खाना इसको बहुत पसंद है, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि इसको अंगूर खिलाने चाहिए, फ्रूट्स वगैरह खिलाने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि सब कुछ किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं करता, ये चॉकलेट दे दो इसको, कोई भी चीज़ दे दो भाई, बिस्किट दे दो, कितना क्यूट खाते हुए गाइस बहुत क्यूट लगता है, अभी देखना खाएगा, अभी देखना ऊपर मुँह करके खाता है। शीरो यही बता रहा था, ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये, इधर अजरा भाई शीरो, और आप लोग पहले वाला ब्लॉग देखना, फर्स्ट ब्लॉग जिसमें मैं इसको लेके आया था उसमें कितना छोटा था, और आप देखो कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसका फेस देखो ऐसे एकदम गोल मटोल हो चुका है, एंड सिर्फ 2-3 महीने के अंदर अंदर ना ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना भाई कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है ये, तो इसके लिए भाई बढ़िया से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए सोच रहे घर लेके आए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ये घर के अंदर रहेगा, हमने सोचा इसके लिए घर बनाएंगे प्रॉपर, बट मुश्किल से ही रहेगा उसके अंदर, और अगर रहेगा भी तो थोड़ा बड़ा सा घर बनाना पड़ेगा और गैलरी में लगाना पड़ेगा, ठंडा इसको पसंद है। जो ये बाल है ना लंबे लंबे हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी कटवाने पड़ेंगे, है ना शीरो। तो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, एंड एक और चीज़ मेरे को मेंशन करनी थी, जो मैंने इंटरव्यू में बोला था कि महीने में सबसे ज़्यादा जो एकदम सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है वो 1 CR प्लस की हुई है अर्निंग, तो वो बात सच्ची है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर महीने मेरे, क्योंकि फेसबुक पे जो इन्होंने इंटरव्यू डाला हुआ है इनका वायरल हो गया काफ़ी अच्छे से, उस पर व्यूज़ आ गए, 2-2.5 लाख व्यूज़ आ भी गए हैं 4-5 घंटे के अंदर ही, मेरे इंटरव्यू पे 2-2.5 लाख व्यूज़ आ भी गए, तो कमेंट्स में भी लोग बोल रहे थे कि ये कैसे रियल हो सकता है, तो झूठ बोल रहा है 1 करोड़ में, बट तो मैंने बोला था कि 1 करोड़ रुपये मैंने एक महीने सिर्फ एक बार कमाए थे, सिर्फ एक जब पीक टाइम गया था, और वो ब्रांड डील भी एक साल की ब्रांड डील थी हमारी, तो एक साल का हमारा वो था कॉन्ट्रैक्ट था, तो एक साल तक मेरे को उनके साथ काम करना था, इसलिए वो भी और बाकी सब चीज़ों को मिला के, एंड उसके बाद उसके ऊपर 1 CR की तो हो गई थी अर्निंग, लेकिन उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है और GST बहुत सारी चीज़ें कट कटा के काफ़ी कम मिलता है, लेकिन उसमें वो भी टैक्स आपको पता है कितना सारा टैक्स लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है कट कटा के काफ़ी कम ही मिलता है, बट वो बात सच्ची है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वो प्रॉफिट बैंक में आ गया सीधा, नहीं ऐसा नहीं है, टैक्स लगता है एंड बहुत सारी चीज़ें लगती है, उसके बाद कट करा के मिलता है, ठीक है। तो वो और वो हर महीने की अर्निंग नहीं है। तो यही है भाई, और सारे भाई अपने टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल जो भी बोलते हैं उसको जरूर से ज्वाइन करना, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में भी, पिन में भी। एंड बहुत सारे लोग, मेरे को पता है लिंक काम नहीं करेगा, तो उसमें शायद यूज़र नेम भी होता है, अगर मैं सुबह तक यूज़र नेम बना लूँगा तो मैं लिंक के साथ में यूज़र नेम भी दे दूँगा, तो उस पर आप सर्च करोगे ना जब टेलीग्राम पे जाकर, तो फिर भी शायद हमारा ग्रुप आ जाएगा। और फेक भी बहुत सारे होंगे, तो भाई ध्यान से ठीक है एकदम देख लेना कौन सा रियल है कौन सा नहीं। तो मैं लिंक दे रहा हूँ, ट्राई करना कि लिंक से जो खुले वही वाले पे ज्वाइन करना, ठीक है भाई। तो सब लोग ज्वाइन करना। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, होपफुली आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो सब लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।